हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी यह सोचा है कि अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष तक ले जाने वाले रॉकेट आखिर कहाँ जाते हैं? क्या यह धरती पर वापस आते हैं? क्या होता है इन रॉकेटों का और कहाँ जाता है यह रॉकेट? जब अंतरिक्ष यान या सैटेलाइट रॉकेट से अलग होता है तो उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही बचा रह जाता है। इसके बाकी हिस्से पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आते ही जलकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक आखिरी हिस्सा स्पेस में ही रह जाता है और यह हिस्सा अंतरिक्ष के कचरे का हिस्सा बन जाता है और वहीं घूमता रहता है। अंतरिक्ष में बहुत सा ऐसा कचरा या फिर स्पेस जंक, जिसे कि डेब्रिस कहा जाता है, घूम रहा है। स्पेस डेब्रिस आखिर क्या होता है? जब भी धरती से कोई चीज़ अंतरिक्ष में भेजी जाती है तो वह उसी रूप में या उतनी ही मात्रा में धरती पर वापस नहीं आता। जितना उसे भेजा जाता है उसका कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में ही घूमता रहता है। इस बचे हुए भाग को ही स्पेस जंक या फिर डेब्रिस कहते हैं।